हम किसी से डरते नहीं। खबरों से समझौता कतई नहीं। बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान। खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ, आपका न्यूज। आप देख रहे हैं आपका न्यूज। आज हम रोड पे खड़े हैं और एक हमारे साथ है बीजेपी के मंत्री जी के साथ खड़े हैं, प्रकाश भाई के साथ खड़े हैं हम। तो उनका कहना है, प्रकाश भाई, जो जो पार्टी ने 150 का टारगेट रखा है उसके बारे में आप कहते हैं। पार्टी ने जो 150 का टारगेट रखा है हम उसके पार हो रहे हैं। हमको 150 से 160 के बीच में सीटें आ रही है। और जो विकास की बातें हम लोग विकास करते हैं, विकास आप देखिए, विकास का विकास है। आप देखिए रोड हमारा, यहाँ का रोड ही देखिए आप, आपको विकास दिखिए। और जो हमारे अमित शाह जी इस तरह से कार्यक्रम से काम करके जो काम कर रहे हैं, हम 150 से 160 ला रहे हैं। तो जो नरोड़ा विधानसभा का जो अभी तक सिंह मोदी का मतलब हो चुका है दिन में, जो अभी जीतने का ये मिल रहा है। और फिलहाल अभी लोगों को आप क्या अपील करना है? लोगों को ये अपील करना था, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार बना रहे हैं, लोकतंत्र के त्यौहार में जो हम सरकार से सुनने वाले हैं, एक विकासशील सरकार है, संवेदनशील सरकार है। और 60% जो मतदान हो चुका है, एक बजे तक जो यहाँ की नोएडा की जो पब्लिक जागृत पब्लिक है, और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील करूँगा कि शाम के 5 बजे तक वो इस पर 80 से 90% वोटिंग करें। आप भी एक नौजवान हैं और आज के नोएडा जो नौजवान युवाओं हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देंगे? आप सरकार बनते तो उनको क्या प्रेरणा देंगे? हमारी सरकार अपने युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, हमारा वर्ग युवाओं के लिए है। जितना भी काम करेंगे हम युवा के लिए कर रहे हैं। आज जो आप कोई भी योजना उठा के देख लीजिए, आपको इस तरह युवा दिखाई देगा। उनका कहना है कि हर युवा को हमारे पार्टी में और हमारे संघ में महत्व दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने भी मतदान किया, अमित शाह जी ने भी मतदान किया, जो आपके यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी मतदान किया, यहाँ के जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्होंने भी मतदान किया, यानी हर घर से नागरिक निकल के मतदान किया है। तो आपने ये भी शब्द कहा है कि सब लोग मतदान करिए। जी हाँ, सब लोग मतदान करिए, क्योंकि जो दान बोलते हैं महादान, ब्लड दान से एक व्यक्ति का भला होता है। तो मतदान से हम पूरे समाज को, एक समाज को दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं। उसमें जो अभी भी दोपहर में एक न्यूज आई थी और आरोपी लगातार कांग्रेस की ओर से कि आप जो मशीन में ब्लूटूथ के मोड में होते थे, आपका क्या मानना है? ये तो कांग्रेस वाले जब हारते हैं तो हमेशा यही चीज़ बोलेंगे कि उसको ब्लूटूथ लगा हुआ है और EVM में सेटिंग है। लेकिन पब्लिक आप तो क्या माना, उसमें आपका क्या माना? कोई इस पर कोई माना, हमारे पब्लिक हमारे साथ है, जनता नहीं, कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हुआ नहीं है, जनता हमारे साथ है। आपका मानना उसमें अगर मशीन में कोई छेड़खानी हो सकती है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा, मशीन के अंदर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। अगर मशीन के अंदर छेड़खानी हो सकती है तो आपके मोबाइल में भी छेड़खानी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके मोबाइल से मैं आपका हैक कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। मशीन के अंदर कभी कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो प्रकाश भाई का मानना है कि ऐसी कोई छेड़खानी नहीं हुई और हमारे सब जगह विकास की आप बात करो तो विकास भी बहुत हो चुका है नगर में। और प्रकाश भाई कहना है कि ज़्यादा नरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग बाहर निकले और मतदान करें। कैमरा पर्सन सांबड़िया के साथ मानस राठौड़, आपका न्यूज़ गुजरात अहमदाबाद।